हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के शो में बात करने वाले यमहा RN5S के कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। जी दोस्तों, आज के शो में इस बाइक के बारे में कंप्लीट बात करने वाले डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊँगा कि फाइनेंस कराने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। सो आज की जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन पे आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं बाइक फाइनेंस कराने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। दोस्तों, बाइक फाइनेंस कराने के लिए आपको सबसे पहले आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आधार कार्ड के बाद दोस्तों हमें पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। पैन कार्ड भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रखता है। पैन कार्ड के बाद दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी। ध्यान रखिए, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी में आपको वो दिखाना पड़ेगा जिसमें आपकी सैलरी आती है। उसके बाद दो तीन फोटोज के बाद आपकी बाइक जो आपको फाइनेंस करके दे दी जाएगी। दोस्तों, बात करें RN5S के प्राइस के बारे में। RN5S जो है दोस्तों, एक्सरूम प्राइस अराउंड 1,64,400 रुपीज, 1,64,400 रुपये के आसपास की आपको ये एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात कर ले इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO इंश्योरेंस चार्ज में फर्क होता है। कि बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में 1,95,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा जो डाउन पेमेंट अमाउंट है वो 55,000 है। जी हाँ, 55,000 रुपये जो आपको पहले पे करने पड़ेंगे, जो कि आपके डाउन पेमेंट अमाउंट है। अब आपका बचा हुआ अमाउंट कितना है, 1,40,000 रुपये। दोस्तों, यहाँ में हमें प्लस करना पड़ेगा प्रोसेसिंग फीस। जब भी हम बाइक फाइनेंस करते हैं तो हमें प्रोसेसिंग फीस पे करना पड़ता है। तो 10,000 रुपये का आपका प्रोसेसिंग फीस हो गया। अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1,50,000 रुपये। अब 1,50,000 दोस्तों आपका टोटल अमाउंट है। अब हमें निकालना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, कोई भी बाइक खरीद रहे हो, बाइक खरीदने की सोच रहे हो, तो दोस्तों आप ध्यान रखिए, हमें जब फाइनेंस कराते तो हमें ब्याज भी पे करना पड़ता है, यानी कि एक्स्ट्रा, तभी तो हमें वो फाइनेंसर कंपनी फाइनेंस करके देती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 10% के हिसाब से लिया हुआ है, तो आपका एक साल का जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 15,000 रुपये। ध्यान रखिए, 15,000 आपका एक साल का इंटरेस्ट है। अब दोस्तों, मान लीजिए आप बाइक को एक साल के लिए फाइनेंस कराना चाह रहे हैं, तो 1,50,000 आपका टोटल अमाउंट है, 15,000 रुपये आपका एक साल का इंटरेस्ट है। अब इसे प्लस कर दीजिए, आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,65,000 रुपये। 1,65,000 को आप 12 यानी कि 12 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आपकी एक साल की EMI बनेगी 13,750 रुपये के आसपास की। मान लीजिए दोस्तों, आपको दो साल के लिए फाइनेंस कराना है, तो दो साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए आपको सबसे पहले दो साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 15,000 रुपये आपके एक साल का इंटरेस्ट है, 15,000 × 2 कर दीजिए तो 30,000 रुपये आपके दो साल का इंटरेस्ट आएगा। 1,50,000 में 30,000 को प्लस कर दीजिए, टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,80,000 रुपये। 1,80,000 को आप 24 यानी कि 24 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि दो साल में 24 महीने होते हैं, आपकी मंथली EMI बनेगी 7,000 रुपये की। मान लीजिए दोस्तों, आप बाइक को तीन साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, तो तीन साल के लिए आपको सबसे पहले तीन साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आपके एक साल का इंटरेस्ट है 15,000 रुपये, 15,000 × 3 कर दीजिए तो 45,000, 45,000 रुपये जो आपके तीन साल का इंटरेस्ट आएगा। 1,50,000 में आप 45,000 रुपये को प्लस कर दीजिए, आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,95,000 रुपये। अब आप इसे 36 यानी कि 36 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि तीन साल में 36 महीने होते हैं, आपकी मंथली EMI आएगी लगभग 5,416 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी तीन सालों तक। से तो दोस्तों, ब्रांड न्यू RN5S का कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।